तो गाइस इतना सुंदर नजारा है यहाँ का, बरसात काफी तेज है आप देख सकते हैं। जय नेपाल, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम हरिद्वार और हरिद्वार से जा रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद हम केदारनाथ जाएंगे, तो वो सारा टूर आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो गाइस कुछ ऐसा सीन है हरिद्वार का। तो अभी हरिद्वार से निकल कर हम पहुँचने वाले हैं बस स्टॉप हरिद्वार के, और वहाँ से आगे चल कर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो गाइस ये हरिद्वार का बस स्टैंड जहाँ से हमें सोनप्रयाग के लिए बस मिलने वाली है। तो गए पहले बस ढूंढते हैं, उसके बाद चलते हैं सोनप्रयाग। तो गाइस इस बस से हम जा रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हम गौरीकुंड निकलेंगे, उससे पहले वॉशरूम वगैरह के लिए यहाँ उतरे हैं, और क्या बजट वगैरह होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइस फाइनली हम सोनप्रयाग पहुँचेंगे, और सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने वाले हैं। उससे पहले इस चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है सोनप्रयाग का। केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ ही दूरी पर है हमारा गौरीकुंड, गौरीकुंड पे जाएंगे, और उसके अलावा एक झरने का शानदार व्यू आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है यहाँ पर। जैसे केदारनाथ की हमारी यात्रा स्टार्ट होती है आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। गौरव, तो जल्दी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक तो अगली मॉर्निंग स्टार्ट होगा, उससे पहले मतलब चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको, और पहले गौरीकुंड पहुँचते हैं वहाँ का व्यू दिखाते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा था सोनप्रयाग का। और उससे पहले कि बता दूंगा आपको कि कैसे यहाँ पे आना है, आप हरिद्वार या ऋषिकेश से भी बस ले सकते हैं। उसके अलावा चाहे शेयर टैक्सी वगैरह जो भी चाहे आप वहाँ से अवेलेबल आपको हो जाएगी। और उसके अलावा मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टैक्सी में बैठ चुके हैं, उसके बाद पहुँचते हैं। शेयर टैक्सी से फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, और कुछ कुछ ऐसा नज़ारा आपको ऐसी टैक्सी मिलेगी जो 50 रुपये पर पर्सन लेगी। पानी को गया है ना, यहाँ से शुरू होगी केदारनाथ का ट्रैक। तो भाई ये है गौरीकुंड, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस हमारा रूम दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा रूम जिसमें आज हम स्टे करने वाले हैं, और सुबह इसी जगह से हम निकलेंगे कल। पहले हम नहा धोकर यहाँ से फ्री होंगे, फिर उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा रूम है, और मतलब दो लोगों को हमने साथ में शामिल किया है अपनी यात्रा में, और उनके साथ ये शेयर किया है रूम।
करीब हमको 1000 रुपये का ये रूम पड़ा है जो गोरीकुंड के जो गोरीकुंड में स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। गाइज अभी हम गोरीकुंड में नहा धोकर फ्री हो चुके हैं और सुबह उठने का प्लान तो 4 बजे का था पर लेट होते होते करीब हम 5 बजे उठे और नहा धो के अब 7 बजे निकलने वाले हैं। अभी फ्रेंड सर्कल फ्री होने वाले हैं, उनके फ्री होने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद आगे ट्रैवल करते हैं और आपको पूरा सीन इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो गाइज मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, वहाँ पर ना के आए थे गोरीकुंड पे और ये वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पास में गोरीकुंड में और स्टे वगैरह के लिए भी ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे सस्ते में। लाड़ी ले जाओ, लाड़ी पैदल गिरे, लाड़ी ले जाओ, बारिश गिरे, तो भाई हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही हम करीब 22 किलोमीटर की हमारी यात्रा होने वाली है। तो भाई हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, काफी भीड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई अभी कुछ ही दूरी पर आए हैं हम केदारनाथ के लिए चढ़ाई पर, काफी लंबा चलना है अभी तो और अभी टी ब्रेक। सो गाइस पहला झरना देखते हुए और देख सकते हैं नदी का बहाव कितना खतरनाक है। तो गाइस पीछे वाटरफॉल और आगे मिल जाएंगे सब फैंस कर लेते हैं। तो अभी काफी चढ़ाई करनी है और बीच में वाटरफॉल वगैरह आ रहे हैं तो काफी शानदार व्यू हो रहा है, काफी लंबा चलना है। गाइस फिर ऐसा नजारा है यहाँ पर, बहुत लंबा ट्रैक है। तो भाई जी यहाँ पर घोड़ा, तो भाई खच्चर वगैरह भी कर सकते हैं हम और पालकी वगैरह भी। तो गाइस कैलाश पर्वत देख सकते हैं, पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है, तो कितना शानदार व्यू है। तो गौरव जी आपको कैसा लग रहा है ट्रैक पे? बहुत ही सुहाना सफर है। तो भाई हालत तो हमारी वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अभी ज़्यादा किलोमीटर आए हैं और अभी काफ़ी लंबा जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको पहुँचने में। बाकी अभी सामान को रखा हुआ है थोड़ी देर में वापस सामने का व्यू सामने का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है और यहाँ भैया जी एक साइकिल से ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर भैया मिले हैं जो नेपाल शहर में और दोनों ट्रैक कर रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ पर जाके मिलेंगे साथ में वापस और काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो भाई अभी हम पहुंच गए जंगल चट्टी और यहाँ वैसे फ्री वाईफाई जोन है, अगर जैसे किसी नेटवर्क नहीं आते हैं तो यहाँ वाईफाई वगैरह अवेलेबल है और काफी शानदार व्यू है, काफी लोग खच्चर पे जा रहे हैं और हम जैसे लोग पैदल, खच्चर के साथ चलना काफी डिफिकल्ट है चलना, वैसे चलो कोई नहीं चलते हैं आगे। शानदार वाटर फॉल है पीछे, तो पहुंचते आगे। तो भाई अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, इधर की तरफ बोर्ड वाला रास्ता है और अभी हम जो चल रहे हैं वो उसमें हम जा रहे हैं और काफी लंबा रास्ता है, अभी करीबन 15-1 किलोमीटर भी रह रहा है। तो चलिए सफर को कंटिन्यू रखते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो भाई सफर में आपको ऐसे वाटरफॉल काफी देखने को मिलेंगे। ये देखिए शंकर साहू को मैगी बनवाते हुए पहाड़ में, 7 किलोमीटर बता रहे हैं यार, तो मजा ले रहे हैं पहाड़ में मैगी बनवाते हुए। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं एक बार देखिए, ये हमारी मैगी बनते हुए। तो
भाई यहाँ पे अपनी मैगी बनती है, थोड़ी देर में मैगी खाते हैं। और जो साथ वाले थे वो तो आगे चल चुके हैं, तो वे अभी हमारा वेट कर रहे हैं। उसके अलावा व्यू शानदार है यहाँ का, जो भी हमने आपको दिखाया। भाई ये ट्रैक इतना आसान भी नहीं जितना लोग समझते हैं, और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। करीबन हम 10 से 12 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं, और अभी है 10 से 1 किलोमीटर समथिंग हो रहा है अभी। और घोड़े गच्छर की आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से आती है चलने में भी, और बैक का भी दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से घोड़े आ रहे हैं और इसी रूट से जा रहे हैं हम भी, और काफ़ी लंबी चढ़ाई करनी है भैया। सुबह जैसा लग रहा बादल जमीन पर आ गए हो, और साथ ही बस उठ पड़े हैं अभी, साथियों की हालत खराब। तो गाइस अभी हम 6-7 किलोमीटर दूर हैं केदारनाथ से, अभी जल्दी ही दर्शन करेंगे, और काफी शानदार व्यू है बैक से आपको जैसे नज़ारा दिखाया। किसी ने सच कहा है, स्वर्ग ही यही है। तो गाइस बादल देख सकते हैं, बादल ही बादल है। ये राजस्थान से बरसात आ रही है, और अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं साथ में। भाई यहाँ कहाँ से हैं? हैदराबाद से साथ में, मतलब मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, मिले थे, हैदराबाद से आए हुए हैं, और इनके साथ अभी यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो साथ वाले हैं वो पीछे रह चुके हैं। अब देखिए कितनी देर में पहुँचते हैं, 3 किलोमीटर का रास्ता बता रहे हैं, जैसे पहुँचते हैं आपको दर्शन कराते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम नंदी बेस कैंप, यहाँ पे पर जो टेंट के हिसाब से है ना अलग अलग रेट हैं। अगर आप कैंडिडेट हो, वैसे पर पर्सन तो वैसे 300 रुपये है, ज़्यादा पर्सन हो उसके हिसाब से अलग अलग रेट हैं। किसी अगर 4 पर्सन है तो शायद आपको 1000 रुपये में रूम दे दे, या 800 में भी। और वहाँ अपना जो महादेव जी का मंदिर है ना, वहाँ है केदारनाथ जी का, तो अभी वहाँ चलते हैं। तो गाइस काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का, देखो हेलीकॉप्टर के भी प्राइस अलग अलग हैं, और काफ़ी शानदार है। तो भाई ये हेलीकॉप्टर स्टॉपेज, और अभी हमें केदारनाथ जाना है। काफ़ी बरसात काफ़ी तेज़ है आप देख सकते हैं, और काफ़ी शानदार व्यू है। अभी पीछे से आपको दिखाया मैंने कि हेलीकॉप्टर आया था, और ठंड काफ़ी लग रही है। अभी कुछ अभी मंदिर जाते हैं, उसके बाद जगह देखते हैं कहीं स्टे करने की, फिर उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे वापस जाके, और आरती वगैरह सब आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। काफ़ी तेज़ बरसात है, देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं मंदिर, ठंड काफ़ी लग रही है। तो गाइस देख सकते कितना शानदार व्यू है, और ये टेंट वगैरह जहाँ पे आप रह सकते हैं, और सबके प्राइस अलग अलग हैं, ये मंदिर से थोड़ा ही दूर है। तो गाइस इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इन भैया के टेंट में हम रुके हुए हैं, भैया अपना नाम बताना। मेरा ऋतिक सिंह। अच्छा, तो ये हमारा टेंट है, और आप देख सकते हैं टेंट इस तरह के आपको टेंट अवेलेबल होंगे, तो काफ़ी अच्छे टेंट हैं भैया के, आप चाहें जब कांटेक्ट कर सकते हैं भैया से। तो अभी मंदिर चलते हैं और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। भाई वो है भैरू बाबा का मंदिर, पहले बाबा के दर्शन करेंगे फिर वहाँ चलेंगे। अब देखते हैं आज चलना हो भैरू बाबा के या कल, जैसे भी मैं ठीक होगा वैसे देखते हैं, और अभी मंदिर चलते हैं अपन। भाई ये ओम जो अभी लगाया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लगाए हुए, और यहाँ से साफ दिख रहे हैं हमारे महादेव। तो चलते हैं आगे और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। कुछ ही देर में मंदिर के पास होंगे हम, और बाबा हमारे सामने होंगे, तो पहुंचते हैं जल्दी। और व्यू तो आप देख सकते हैं कितना शानदार आ रहा है, और काफ़ी मतलब काम चल रहा है यहाँ पर काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो होटल वगैरह काफ़ी चीज़ बन रही है यहाँ पर, काफ़ी मतलब डेवलप हो रहा है इस जगह को। तो देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के दर्शन कराते हैं। सो काफ़ी थक चुके हैं, जल्दी जल्दी बक के आए हैं दर्शन करने के लिए, और देखते हैं कितनी लाइन लगती है, कितना क्या होता है सब कुछ।
जाकर वहाँ पता लगेगा, फिर उसके बाद मतलब आप सबको दर्शन कराएंगे। मंदिर के आगे स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से दर्शन हो गए महादेव के, और मतलब जो है ना शिवलिंग के अच्छे से दर्शन किए, और व्यू काफ़ी शानदार, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर अभी, मतलब होटल्स वगैरह भी पास में ही है, और वैसे सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। भैया कितनी ठंड लग रही है आपको? ठंड तो खूब लग रही है इन सबको। तो गाइज काफ़ी अच्छे दर्शन है, काफ़ी अच्छा था। तो भाई ये है भीमशिला, वैसे नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिखाने में, दिन में आपको सुबह मॉर्निंग जैसे दर्शन करने आएंगे ना वैसे ही आपको भीमशिला वगैरह सब काफ़ी मतलब भीमशिला और सब दर्शन कराएंगे आपको अच्छे से। और देख सकते हैं केदारनाथ जी का मंदिर, मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, तो अभी अपने कैंप में जाते हैं और वहाँ रेस्ट करते हैं। ठंड काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। तो मंदिर का कुछ ऐसा व्यू है जैसे हमने आपको दिखाया, अंदर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, तो अभी हम जैसे बाहर का था ना व्यू वगैरह दिखाया आपको, और जो कोशिश करेंगे दिन में अच्छे से व्यू दिखा पाएँ, क्योंकि हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया, तो इसके बाद अभी हमें जाना भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे 4, और जो हमारे टेंट है ना उसमें मतलब रिझाई तो थोड़ी सी गीली, ऊपर से नमी ओस ओस की बूंदे हो रही है, और उसके अलावा टेंट की हालत मतलब ऊपर से वैसे ठंड तो नहीं लगी थी जैसे रिझाई वगैरह उड़ी थी ना, और उड़ के समय ठंड तो ऐसा इतना कोई इशू नहीं हुआ, पर हाँ जब उठे हैं उसके बाद रिझाई के ऊपर जो हल्की मतलब गीला गीला सा फील हो रहा है ओस की बूंदे से, और अभी तो गौरव भी साथ है तो वो भी उठ चुका है। आप थोड़ी देर में जाते हैं मंदिर, मतलब क्या है पहले नहा धो के फ्री होते हैं फिर मंदिर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आरती वगैरह स्टार्ट होने वाली है, फिर आरती वगैरह देखते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं, फिर उनके बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर अपनी मतलब रिटर्न करेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, पहले फ्री होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आरती में। मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी जा रहे हैं हम नहाने, ठंड काफ़ी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, और अभी नहाने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे व्यवस्था मिलती है नहाने की, और उसके बाद मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। चारों तरफ व्यू। भाई नहा धो के हमने कपड़े चेंज कर चुके हैं और अब जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, अभी कुछ देर में पहुंचते हैं, और भाई के पास शंख है और बांसुरी है, तो भैया जी बांसुरी बजा के सुनाएंगे, तो सुनेंगे थोड़ी देर में, अभी पहले मंदिर जाते हैं दर्शन करते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं फिर इनकी बांसुरी सुनते हैं। राइट प्रसाद छटा के आ चुके हैं, और अब ये जस्ट पीछे भीमशिला, भीमशिला से होते हुए आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद जो आगे का टूर होता है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं और एक बार मैं भीमशिला दिखाता हूँ आपको अच्छे से, फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो गाइस ये है भीमशिला, जब केदारनाथ में आपदा आई थी ना उस समय केदारनाथ मंदिर को इसी भीमशिला ने बचाया था, तो आप देख सकते हैं, और इसके जस्ट पीछे है केदारनाथ मंदिर, इसी भीमशिला ने बचाया था और आपदा उस जगह से आई थी। भाई आदि शंकराचार्य की मूर्ति खाते हैं आपको।
ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। गाइस रेनकोट पहन के हम जा रहे हैं भैरवनाथ की यात्रा पर। काफी मतलब मौसम बीच बीच में बदलता रहता है, कभी बरसात कभी धूप कभी क्या। तो अभी निकलते हैं यात्रा पर, रेनकोट पहन के रेडी हैं। और देखो 30 से कितने किलोमीटर की चढ़ाई हो, देखते हैं वहीं जाके। जैसे भी चढ़ के आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो चेक करना चाह रखा था आपको, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, देख सकते हैं आप बादल। कहते हैं जब केदारनाथ की चढ़ाई करूँ तो भैरवनाथ की चढ़ाई भी मान्य होती है। तो अब जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर। और भैरवनाथ के मंदिर से केदारनाथ की जो घाटी है ना, काफ़ी शानदार दिखाई देती है, वो भी आपको हम जाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये भैरवनाथ जी का मंदिर, और फोक देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ बादल बादल। तो गाइस मैं भैरवनाथ, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ से आपको केदारनाथ घाटी दिखाता हूँ। तो ये है केदारनाथ घाटी, और तो वहाँ बैठे हैं हमारी महादेव। और उसके अलावा बादल वगैरह हो गए हैं। तो भाई जी आप बादल देख सकते हैं, ये चारों तरफ बादल बादल है, फोग हो चुका है चारों तरफ। तो कुछ इस तरह दिखाई देता है भैरवनाथ जी का मंदिर। और उसके अलावा मैंने आपको केदारनाथ वैली दिखाई, वहाँ पे जो केदारनाथ जी का मंदिर है ना, वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो है मंदिर है ना, तो गाइस अब जा रहे हैं नीचे, भैरवनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अब इसको ट्रैक को कंप्लीट करते हैं, मतलब नीचे उतरते हैं, सामान वगैरह उठाते हैं, फिर वापस निकलते हैं। तो बैक का भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बादल, मतलब ऐसे है जमीन को टच कर रहे हैं बादल। नेचर देखिए। तो थोड़ा ट्रैक से नीचे उतरते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। हर हर महादेव गाइस, आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा। ये मतलब केदारनाथ की ट्रिप काफी शानदार हुई थी, और भी हमने कहाँ स्टे किया हुआ है दिखाते हैं। तो इतना ऊपर आए हुए हैं हम स्टे करने के लिए, और इस जगह हमने स्टे किया हुआ है, मतलब काफी सुंदर जगह है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।